इंसान की एक आदत होती है, इंसान बुराई को ज्यादा पसंद करता है, इंसान बुराई को ज्यादा पसंद करता है, अच्छाई को ज्यादा पसंद नहीं करता। आज हम अगर खाने पीने में एहतियात नहीं करते हैं तो हमारे अंदर नेकी कैसे पैदा हो सकती है, हमारे अंदर अच्छाई कैसे आ सकती है। फौरन उठाकर ले लेते हैं, लेकर कहते हैं कि अल्लाह दिया चलो रख लेंगे। हाँ ऐसे जो नीचे गिर गए किसके हैं, देना छोड़ गए। तीन बार जोर से चिल्ला बोले तो कौन नहीं रस्ते में चिल्ला देंगे, ये किसके हैं किसके हैं किसके, कौन नहीं बोले चलो जेब में रख लो। आज हाल वैसे है, जाते हैं अपने गाँव में पैसे मिले तो कौन भी छोड़ देगा, 500 रुपए की नोट पर क्या करते हैं, ओ मैं आज सुबह किसका अच्छा मौके कोटे की 500 रुपए मिले बोलती है नहीं। घर में ले गए तो माँ बोलती बहुत अच्छा करे रे, किसका मुद्दे को डाल करो दूसरा मुद्दे को 500 रुपये मिले थे। पहले का एक दौर था, हवराने पकड़ते थे उसमें, मालूम है आपको नहीं मालूम है, बड़े लोग हवराने पकड़ते थे पैसे मिलते हैं। अभी भी बच्चे पकड़ते, मैंने जो है पैसे पड़े हुए मिले तो खुशी से लेकर रख लेती, खाते कि नहीं आजू बाजू। अभी हुआ तो बाद में जाकर बोलते हैं ए मुझे एक जगह पैसे मिले, उन्हें बोले नहीं मेरे पैसे गांव के काम मिले हो तो नहीं मुझे एक जगह मिले, नहीं काम ही नहीं हो बोल नहीं नहीं मुझे एक जगह मिले हो। अब देखिए उन्हें कहा वो रूट से आता तो वहां नहीं मुझे वहां मिले, वहां खुशी से जो है पैसे लेकर रखा। लेकिन हमारे अंदर एहसास पैदा नहीं होता कि ये किस मजबूर के पैसे गिरे होंगे, ये किस परेशान हाल के पैसे गिरे होंगे। हम बगैर एहसास किए कि उन पैसों को लेकर खुशी खुशी खाते हैं। अब आप बताओ ऐसे पैसे खा लेंगे तो क्या हमारे अंदर पाकीजगी आएगी, हरगिज़ नहीं आ सकती। व्यापार करते हैं, एक रेट जमा करता, दूसरा इशारा करके उसे बुला कर रेट दे देता, उससे कम कितना दे रहता मैं 500, मैं 500 को 10 रुपये कम देता हूँ, 500 को 50 रुपये कम देता हूँ, नहीं ये गलत तरीका है। इससे आपकी रोजी रोटी तो आप नकदिया तौर पर धोखे के साथ कमा सकते हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के नजदीक आपका ये धोखा देना या आपका ये धोखे में डालना मंजूर नहीं है। खुदा की बारगाह में इसकी पकड़ होगी कि तूने फलां का निवाला क्यों छीन लिया, वहां क्या जवाब देंगे। इसलिए हम अपनी आदतों को सुधारें, हम अपने आप को नेक बनाएं, अच्छे बनकर जिंदगी गुजारें।